हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डेली सुबह सुबह हम सबको किचन में जाते ही एक टेंशन सताती है, वो है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। हम सब एक ही चीज़ सोचते रहते हैं और डेली डेली एक चीज़ खाने को मन भी नहीं करता। तो ऐसे ही मतलब ये भी रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है और टेस्टी भी हो। तो ऐसे ही मैंने कुछ एक दिन ट्राई किया खुद से, तो वो रेसिपी बहुत टेस्टी बनी, सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत ही जल्दी बन गई वो रेसिपी। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक चटपटा सा दही पराठा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है दही पराठा। इसके लिए आप और मैं चलेंगे मेरे किचन की तरफ। तो चलिए आप और मैं मिलकर बनाते हैं दही पराठा। तो इसके लिए हमें चाहिए चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, अजवाइन, कलौंजी, थोड़ा सा चीनी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और यहाँ में पे मैंने लिया स्वाद अनुसार नमक, और हमें चाहिए दही। तो इसी से हम इसको गूंदेंगे, इसके लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही से ही हम गूंदेंगे। तो चलिए अब इसको प्रिपरेशन इसका हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, मैंने अपने नीड के अनुसार मैंने ले लिया है आटा। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल लिया है और इसमें हम अभी ये जो नमक है ये नमक ले लेंगे और इसको हम पहले अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। और एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अभी हम इसमें दही डालेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, दही से ही हम आटे को गूंद लेंगे। तो देखते हैं दही हमें कितनी चाहिए। बस आटे को गूंदने के लिए जितनी दही की ज़रूरत होती है हमें उतनी दही चाहिए। तो अभी बाकी का दही भी हम डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सा दही की ज़रूरत होगी, तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया है यहाँ पे। अब ठीक है, अभी हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और इसे गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर अच्छा बनेगा पराठा। तो पराठा मैंने बेल लिया है, ऐसे ही सारे पराठाओं को हम बेल लेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको अभी बनाना कैसे है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो अभी हम पराठे को सेक लेंगे बिना तेल से, पहले थोड़ा सा सेक लेंगे। तो थोड़ा सा हमने सेक लिया है बिना तेल से, अभी हम इसमें ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा।
तो हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही मैं सारे पराठों को बिल्कुल इसी तरह से मैं सेक लूँगी। पहले बिना ऑयल से सेकूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल से मैं सेक लूँगी। तो ये हो चुका है मेरा, बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठों को सेक लिया है। तो मेरा दही पराठा बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी पराठा है, नॉर्मल पराठा जैसा इसका टेस्ट नहीं है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट खट्टा मीठा नमकीन तीखा ऐसा होता है इसका टेस्ट। तो आप ये बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा है। और अगर मेरा ये रेसिपी देख के आपको अच्छा लगा है तो मुझे एक लाइक करिए।